नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय में 75% से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने मोटापे की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, और वह लोग अपने वजन को कम करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आपके किचन में ही वजन कम करने के इतने सारे तरीके हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए, और किचन के इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके आप लोग अपने बढ़ते हुए वजन को आसानी से कम कर सकते हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए इस वीडियो में यह बताने वाले हैं कि आप लोग अपने बढ़ते हुए वजन को किस तरह से कम कर सकते हैं, और किचन की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपने वजन को कम कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो का शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो 1% भी ठीक लगती है तो इसे ज़रूर लाइक करें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, बाजरा। बाजरे में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। बाजरा आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान पहुँचाए बिना कैलोरी को बर्न करता है, उसे कम करता है, जिससे आपके शरीर का वजन तेज़ी से कम होता है। नंबर दो, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को सब्जी के अलावा सलाद के रूप में भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। पत्ता गोभी खाने से पाचन क्रिया सही रहती है। फैट बर्न करने में पत्ता गोभी एक महत्वपूर्ण योगदान करती है। इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है और ये वजन को कम करने वाला सबसे अच्छे उपचारों में से एक माना जाता है। नंबर तीन, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर एक ऐसा मसाला है जिसका इस्तेमाल हर भारतीय घर में होता है। इसके अलावा विदेशों में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छी मात्रा में किया जाता है। कई चीज़ों में हल्दी दवाई का काम करती है। इसमें एंटीसेप्टिक और एंटी कैंसर के गुण भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं, जो आपके शरीर में इंसुलिन और लेप्टिन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे आपका वजन हमेशा तेज़ी से कंट्रोल होता है। नंबर चार, शहद। शहद मीठा होने के साथ शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। फैट कम करने में भी सबसे बेस्ट माना जाता है। सुबह सुबह एक गिलास गर्म पानी में शहद और नींबू मिला करने से वजन कंट्रोल में रहता है। नंबर पाँच, लहसुन। लहसुन अपने औषधीय गुणों के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। इसमें एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल जैसे गुण पाए जाते हैं, जो आपके शरीर में जमा वसा को जलाने में मदद करते हैं, फैट को बर्न करते हैं, पेट की चर्बी को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुबह सुबह खाली पेट कच्चे लहसुन की कलियों को खाने से आपका वजन हमेशा नियंत्रित रहता है। अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ स्वास्थ्य भी रखता है। अंकुरित अनाज में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व प्रोटीन तत्व होते हैं। नियमित रूप से अंकुरित अनाज खाने से आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है और सक्रिय रहता है, जिसकी वजह से आपका वजन हमेशा कंट्रोल में रहता है। अगर बढ़ा हुआ है तो वह तेज़ी से कम होता है। नंबर सात, मिर्च। हर भारतीय व्यंजन में मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर होता है। मिर्च खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ ही शरीर के वजन को कम करने का कार्य करती है। मिर्च खाने से आपके शरीर का फैट बहुत तेज़ी से बर्न होता है, क्योंकि इसके अंदर कैलोरी काफ़ी कम पाई जाती है। मिर्च खाने से मेटाबॉलिज्म भी तेज़ी से बढ़ता है, और अगर आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ी से बढ़ता है तो आपका वजन हमेशा नियंत्रित रहता है। नंबर आठ, करी पत्ता। ज़्यादातर साउथ इंडियन खाने में करी पत्ता का इस्तेमाल होता है। करी पत्ता वजन को कम करने में बहुत सहायक होता है। अगर आप लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं और करी पत्ते का सेवन करना चाहते हैं तो एक चम्मच शहद के साथ एक चम्मच करी पत्ते के रस को मिलाकर पी सकते हैं। नंबर नौ, सरसों का तेल। सरसों का तेल किसी औषधि से कम नहीं है। सरसों के बीज में बी कॉम्प्लेक्स जैसे और फॉलेट जैसे, थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लोविन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जिससे वजन कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। सरसों के तेल में भरपूर मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा यह शरीर को हमेशा फिट रखता है। नंबर दस, इलायची। इलायची में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो फैट कम करने का कार्य करते हैं। यही वजह है कि इलायची पूरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़िया तरीके से नियंत्रित करती है और शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इलायची पाचन में बहुत ज़्यादा मददगार होती है, डाइजेशन पावर को सही करने में और डाइजेशन पावर को बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद होती है।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो 1% भी ठीक लगती है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी हेल्थ से जुड़ी हुई वीडियो और लाकर देते रहें और आपको वो वीडियो सबसे पहले मिल सकें।